कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 65वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में ये यात्रा 5 दिनों से जारी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ये यात्रा हिंगोली जिले में प्रवेश करेगी, जहां पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे। कांग्रेस ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, शिवसेना विधायक सचिन अहिर के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज यात्रा 65वें दिन में प्रवेश कर गई है। 7 नवंबर की रात को ये पड़ोसी तेलंगाना प्रांत में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलुरु में पहुंची थी। बीते 5 दिनों से ये नांदेड़ जिले में भ्रमण कर रही है। यात्रा शुक्रवार सुबह अर्धपुर के नांदेड़ हिंगोली रोड स्थित दाभाड़ से फिर शुरू हुई। आज दोपहर बाद ये चोरंबा फाटा से शुरू होकर रात में हिंगोली पहुंचेगी। सुबह करीब 6 बजे यात्रा दोबारा शुरू होने के बाद सड़क पर लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। रास्ते में कांग्रेस नेता के स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी बच्चों और महिलाओं के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इसको वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया है। कैसे खेलेंगे? आपको बता दें कि गुरुवार शाम को नांदेड़ जिले में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के नेता और अभिनेता सुशांत सिंह मौजूद थे। अब राहुल गांधी 18 नवंबर को बुलढाणा जिले के शेगांव में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी 14 दिनों तक यात्रा करेंगे। इस दौरान यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसके बाद ये यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।